नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। कई बार मंत्रियों के बंगले चर्चा में रहते हैं और इस बार चर्चा का विषय मुकेश सैनी का 6 एस्टन रोड जो है वो चर्चा में है। सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मुकेश सैनी का यह बंगला है और इसको लेकर भी कई कयास जो लगाए जा रहे हैं। 6 एस्टन रोड बंगला VIP चीफ मुकेश सैनी के कारण इन दिनों चर्चा में है। मंत्री के लिए 6 एस्टन का बंगला शुभ नहीं माना जा रहा है। इनके कारण कई हैं। महागठबंधन की सरकार में यह बंगला आलोक मेहता को दिया गया था, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली, सरकार गिर गई। अंत में वो बंगला खाली करना पड़ा। उसके बाद वो जेडी कोटे से समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को यह बंगला दिया गया था उससे पहले, लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उससे पहले अवधेश कुशवाहा भी इस बंगले में रहा करते थे, लेकिन विवादों के कारण उन्हें भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरह की कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। उनका विधान परिषद का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला है और अगर उनको फिर से विधान परिषद में रिपीट नहीं किया गया तो मंत्री पद भी जा सकती है। असल में इन दिनों BJP से मुकेश सहनी का संबंध कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर विधान परिषद में सीट नहीं देने के कारण सहनी बयान पर BJP खेमे में काफ़ी नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। तो बता दें कि इस बार जो है मुकेश सहनी का 6 एस्टन रोड जो है वो चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 6 एस्टन रोड मंत्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि इन दिनों BJP और मुकेश सहनी के बीच जिस तरीके से जुबानी जंग है, वो ऐसा बयां करती है कि सब कुछ ठीक जो है वो नहीं चल रहा है। कई प्रमाण हैं। इससे पहले हमने बताया आपको कि आलोक मेहता को यह बंगला, जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार और RJD की सरकार थी बिहार में, उस वक्त आलोक मेहता मंत्री की हैसियत से इस बंगले में रहा करते थे, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली, जिस वजह से मंत्री पद भी गवानी पड़े, उसके बाद बंगला भी खाली करना पड़ा। उससे पहले अगर बात की जाए तो मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थी JDU कोटे से और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद जो है वो उन्हें बंगला खाली करना पड़ा। उससे पहले अवधेश कुशवाहा हुआ करते थे इस बंगले के मालिक, इस बंगले में मंत्री की हैसियत से रहा करते थे, लेकिन विवादों के कारण उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस बार जो है एक बार फिर से मुकेश सहनी जो है मंत्री पद की हैसियत से इस बंगले में रह रहे हैं, लेकिन जो इन दिनों चल रहा है NDA के अंदर, मुकेश सहनी जितने नाराज़ दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं योगी के खिलाफ और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि योगी और मोदी का जय जयकार हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसको लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी और BJP के बीच विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब कयास ऐसे लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी, क्योंकि 6 एस्टन रोड का इतिहास रहा है कि कोई भी इस मंत्री पद की हैसियत से जब रहता है तो उसके लिए यह बंगला जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। तो फिलहाल के लिए इस तस्वीर में इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।